सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आठवां दिन आज का विषय है पवित्र आत्मा और कलीसिया। अपनी नोवेना के दौरान हमने यीशु और पवित्र आत्मा का संयुक्त लक्ष्य याद किया। हमने देखा कि किस तरह यीशु ने अपना वादा पूरा किया कलीसिया पर अपनी आत्मा भेजने का। कलीसिया के सदस्य होने के कारण बपतिस्मा के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए और जीवित ईश्वर के नए जीवन का हिस्सा हम सब ने पाया। इसलिए आज हम उसकी उपस्थिति, उसकी स्तुति करने के लिए आए हैं, सचेत है उस आभार के लिए जो उसमें उसने हमें दिया। पवित्र आत्मा के विरुद्ध किए सभी पापों एवं अपराधों के लिए आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर क्षमा याचना करें। आज हम क्षमा भावना के साथ उन असफलताओं की ओर और ईश्वर प्रेम और हमारे पड़ोसी प्रेम की कमी के लिए सच्चे हृदय से प्रभु से माफी मांगते हैं। पश्चाताप की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं हृदय से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई और महिमा के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, इसलिए कि तू मेरे ईश्वर जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है मेरे पापों से नाराज हो जाता है और मैं ये दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तेरे पवित्र कृपा से तेरे विरुद्ध अपराध कभी नहीं करूंगा और पाप की जोखिमों से दूर रहूंगा। आमीन। पवित्र आत्मा की आह्वान प्रार्थना। हे पावन आत्मा, हमारे हृदयों में आओ, हमें सद्बुद्धि दे, हमारे मन को राह दिखा और हमें प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदयों में आओ, अपने स्वर्गीय प्रकाश से हमारा तनाव दूर कर। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा शक्ति दाता आओ, हमारी बेचैनी दूर कर, हमें शांति प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया। हे पावन आत्मा शांति दाता आओ, एक निश्चल विश्वास द्वारा हमारी चिंता दूर कर। हालेलुया, हालेलुया। हे पावन आत्मा धीरज दाता आओ, एक दृढ़ विश्वास द्वारा हमारा भय दूर कर। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा
मेल मिलाप करने वाले आओ। अपने प्रभावशाली प्रकाश से हमारे मन का अंधकार मिटा। अलेलुया अलेलुया। हे पावन आत्मा शक्ति दाता आओ। अपने उत्साह द्वारा हमारे मन की उदासीनता दूर कर। अलेलुया अलेलुया। हे पावन आत्मा प्रेम के सागर आओ। हमारी अंधेरी रातों को प्रकाश में दिनों में बदल दे। अलेलुया अलेलुया। हे पावन आत्मा अग्नि ज्वाला आओ। हमारे जीवन के शीतकाल को बसंत की उमंग से भर दे। अलेलुया अलेलुया। हम प्रार्थना करें। हे पावन आत्मा हमारे अंदर का खालीपन भर दे, हमारा अहंकार दूर कर दे, हमें विनम्र बनाकर हमारे मन में प्रेम की आग सुलगा और हमारे मन से बुरे विचार निकाल दे। हमारी सहायता कर कि हम अपने को और अपने पड़ोसी को उस नजर से देख सकें जिस नजर से ईश्वर हमें देखता है, ताकि तेरा यह वचन पूरा हो जाए। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। यह हम प्रभु यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। हे पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। हे दरिद्रों के पिता वरदानों के दाता हमारे हृदय की ज्योति हमारे पास आने की कृपा कर। तू है सर्वोत्तम सांत्वना दाता, तू है हमारी आत्मा का प्रिय पाहुना, तू है भोर की ओसा सुखदायक। परिश्रम में तू है विश्राम, ग्रीष्म में तू है शीतल छाया, विलाप में तू है सांत्वना। हे परम धन्य ज्योति अपने विश्वासियों का हृदय आलोकित करने की कृपा कर। तेरे कृपादान के अभाव में पुण्य का काम कोई भी नहीं कर सकता, पाप से कोई नहीं बचता। जो मैला है उसे धो डाल, जो सूखा है उसे सींच दे, जो घायल है उसे चंगा कर, जो कड़ा है उसे झुका दे, जो ठंडा है उसे गर्म कर, जो टेढ़ा है उसे सीधा कर। जो तुझ में विश्वास करते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, उन्हें अपने साथ वरदान प्रदान कर। तो हमको इलोक में पुण्य में जीवन दे, इसके अंत में मुक्तिदायक मरण और परलोक में ईश्वरीय आनंद, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों। और आपके साथ हुई। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त की जय। अध्याय 15 वाक्य 8-16 तक। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। जिस तरह पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के सहभागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो।
अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वो सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हम प्रार्थना करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, मैं जानता हूं कि मेरा शरीर आपका मंदिर है। मैं विश्वास और भरोसा करता हूं कि आप जीवन के स्रोत है। हे प्रभु मेरे विधाता, मेरा पूरा शरीर आपके जीवन और प्रेम से भरा हुआ है। यीशु मसीह अपने बहुमूल्य रक्त से मुझे शुद्ध करो और मेरे सारे पापों डालो। मैं अपने सारे पापों की क्षमा मांगता हूँ। उन सारे जख्मों से, क्रोध से, दोषीली भावनाओं से और उन सारे दुखदायी यादों से जो गहरे रूप में मेरे अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है, मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कीजिए। हे प्रभु, आपके और अपने पड़ोसी के विरुद्ध मैंने पाप किया है। यीशु मसीह, आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। प्रभु मेरे दिल में आओ। जब आप मेरे दिल में मेरे पास हैं, आप में जीवन है और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह मैं जीवन ढूंढता हूँ। मुझ पर दया करो। प्रभु वह आप ही है जो अपनी शक्ति के द्वारा मेरा मार्गदर्शन करते हैं और अपनी उपस्थिति में मुझे धार्मिक बनाते हैं। हे प्रभु, आप सब शक्तिमान हैं, आप दयावान हैं, आपने मुझे स्पर्श किया है। मुझे मेरी आत्मा, बुद्धि और शरीर की वासनाओं से स्वस्थ किया है। आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मुझे अपने समीप लाने के लिए, मुझे प्रेम करने और बचाने के लिए और मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए मैं गहरे विश्वास के साथ आपकी आराधना करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे सु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाँ उठाता हूँ।